साइकियाट्रिक एस्पेक्ट्स ऑफ विटामिन B12 डिफिशेंसी, इसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ कि विटामिन B12 जो है वो हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को बहुत ज़रूरी है, और उसकी यदि कमी यहाँ हो गई अपने बॉडी में या ब्रेन में तो उससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स तैयार होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबोधन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, पुणे, नागपुर, मुंबई, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों का इलाज करते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत ही हमारा मिशन है। हमको ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लोग करते रहते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ विटामिन B12 डिफिशेंसी के बारे में। आजकल क्या हो गया, फैशन हो गई है, कोई पेशेंट डॉक्टर के पास में जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि विटामिन B12 का एक बार टेस्ट कर लो, सीरम विटामिन B12 का टेस्ट कर लो, ठीक है कि नहीं, अक्सर वो नॉर्मल निकलता है। मगर कुछ पेशेंट में एबनॉर्मल निकलता है, मतलब कम भी निकलता है, कमी भी निकलती है, क्योंकि विटामिन B12 जो है ना वो एक कोफैक्टर है फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामिन एंड सेरोटोनिन। मतलब हमारे ब्रेन में भेजे में जो केमिकल्स है डोपामिन और सेरोटोनिन, उसका तैयार करने के लिए, उसको तैयार होने के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। और यदि विटामिन B12 की कमी हो गई अपने शरीर में तो फिर एक तो वो एनीमिया के रूप में दिखती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फिर दूसरा दिखता है पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, मतलब नर्व जो है ना, तो नस जो है या नर्व जो है वो नर्व में संवेदन क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो सेंसिटिव हो जाती है और फिर अंगार होना चालू हो जाता है पैर में, तो वो न्यूरोपैथी होती है। और फिर साइकेट्रिक सिम्टम जो है, मानसिक बीमारी जो है, उसमें मूड डिसऑर्डर होते हैं, मूड का मतलब डिप्रेशन होना, डिप्रेशन में चले जाना व्यक्ति, या एपैथी होती है, कोई मूड ही नहीं है, तो मूड डिसऑर्डर, मूड की कमी होना, डिप्रेशन का वो दिखता है, या फिर उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी दिखाई देती है कोई पेशेंट लोगों में, डेल्यूजन दिखाई देते, मतलब फर्म बिलीफ, डेल्यूजनल बिलीफ, थॉट डिसऑर्डर आती है, या फिर डिमेंशिया आ सकता है, डिमेंशिया मतलब भ्रम या भुलक्कड़पना। तो ये जो है ये सिम्टम्स मानसिक रुग्णों को दिखाई देते हैं जिसमें विटामिन B12 डिफिशियंसी हो गई तो अच्छा करना जरूरी है। मानसिक जो लक्षण है वो एक हफ्ते के बाद में अच्छे हो जाते हैं विटामिन B12 देने के बाद में। यूजली 1000 माइक्रोग्राम पर डे यदि विटामिन B12 का इंजेक्शन दिया तो वो लोग अच्छे हो जाएंगे, और 7 दिन तक इंजेक्शन दिया तो एकदम पूरा ठीक हो जाएगा व्यक्ति। ब्रेन के जो प्रॉब्लम्स है विटामिन B12 डिफिशियंसी के लिए, मतलब उसके होने से, वो 1 महीने में अच्छे हो जाते हैं। विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए, इसके लिए सब तरह का खाना खाना जरूरी है। यूजली सलाड्स, फ्रूट्स, सब तरह के सलाड्स, फिर मटकी, और फिर बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें कि जो अपने को सब्जियों में से मिलती है, और सब तरह की सब्जी खाना है, तो ये हम ये देते हैं विटामिन B12 का, उसमें काफ़ी मात्रा में रहती है, तो वो खाया तो विटामिन B12 डिफिशियंसी नहीं होगी। विटामिन B12 डिफिशियंसी का फैशन करने का नहीं है, फैशन इसका मतलब ऐसा है कि काफ़ी सारे लोग ने हम एक बार विटामिन B12 टेस्ट कर लेते हैं ऐसा बोलते हैं, और काफ़ी सारा पैसा खर्चा करते हैं, उससे अच्छा उसका इंजेक्शन ले लिया ना तो सस्ता भी हो जाएगा, मस्त भी हो जाएगा, टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा व्यक्ति अच्छा हो सकता है। इसलिए हमने सतर्क रहना चाहिए कि हमारे खाने में पूरा अच्छा सब हम खा रहे हैं विटामिन, और नहीं तो फिर एक बार भाई वो विटामिन B12 का डोज ले लो, गोलियां ले लो, टैबलेट ले लो, या फिर इंजेक्शन ले लो, और ज़्यादा ही कोई चिकित्सक है तो सीरम B12 का टेस्ट करके देख लो कि सच्ची विटामिन B12 कम है क्या। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।